हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रोचक कहानियाँ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है जब भाई बहन ने लांघी अपनी मर्यादा। कैसे भाग भाग कर काम कर रहा है पिंटू। हाँ तो क्यों नहीं करेगा, आखिर उसकी बहन माया की सगाई जो है। दूसरे शहर से आए रिश्तेदार आपस में बतिया रहे थे और घर वाले काम निपटाने में व्यस्त थे, लेकिन क्यों बार बार भाई है बहन है कहकर जताया जा रहा था। थे तो पिंटू और माया बुआ ममेरे भाई बहन, किंतु क्या कारण था कि रिश्तेदार उनके रिश्तों को यों रेखांकित कर रहे थे। पता नहीं मामी जी को क्या हो गया है, अंधी हो गई हैं बेटे के मुंह में। और क्या बुआ जी भी नहीं देख पा रही कि माया क्या गुल खिलाती फिर रही है। बड़ी भाभी सुबह नाश्ता बनाते समय रसोई में बुदबुदा रही थी। रसोई में काम के साथ चुगलियों का छोंक काम की सारी थकान मिटा देती है। साथ में सब्जी काटती छोटी मामी भी बोली, हाँ कल रात देखा मैंने कैसे एक ही रजाई में पिंटू और माया सबके सामने, कोई उन्हें टोकता क्यों नहीं। अरे मामी, जब उन दोनों को कोई आपत्ति नहीं, उनकी माताओं को कुछ दिखता नहीं, तो कौन अपना सिर औखली में देकर मूसली से कुटवाएगा। बड़ी भाभी की बात में दम था। रिश्तेदार पीठ पीछे बात करते नहीं थकते, परंतु सामने बोलकर बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। जो हो रहा है होने दो, मजा लो, बातें बनाओ और तमाशा देखो। जब से माया किशोरावस्था की पगडंडी पर उतरी, तभी से उसके ममेरे भाई उससे 12 साल बड़े पिंटू ने उसका हाथ थाम लिया। हर पारिवारिक समारोह में उसे अपने साथ लिए फिरता, अपनी गर्लफ्रेंड्स की रोचक कहानियाँ सुना उसे गुदगुदाता। माया भी पिंटू भैया के आते ही और किसी की ओर नहीं देखती थी, उसे तो बस पिंटू भैया की रसीली बातें भाती। बातें करते हुए पिंटू कभी माया का हाथ पकड़ते रहता, कभी कमर में बांह डाल देता, तो कभी उसकी नर्म बाहें सहलाता। देखते ही देखते 1-2 सालों में पिंटू और माया एक दूसरे से बहुत हिल मिल गए। माया उसे अलग अलग लड़कियों के नाम ले छेड़ती तो पिंटू उसके पीछे भागता, और इसी पकड़म पकड़ाई में पिंटू उसके बदन के भिन्न हिस्सों को अपनी बाहों में भींच लेता। कच्ची उम्र का तकाजा कहें या भावनाओं का ज्वार, पिंटू की उपस्थिति माया के कोपल लाल कर देती। उसके नयन कभी शरारत में डूबे पिंटू के साथ अठखेलियां करते तो कभी मारे हया के जमीन में गड़ जाते। हर समारोह में पिंटू उसे ले एक ही रजाई में घुस जाता। ऊपर से तो कुछ ज्यादा दिखाई नहीं देता, लेकिन सभी अनुभव करते कि पिंटू और माया के हाथ आपस में उलझे रहते। रजाई के नीचे कुछ शारीरिक छेड़खानी भी चलती रहती। उस रात पिंटू अपनी नवीनतम गर्लफ्रेंड का किस्सा सुना रहा था और माया पूरे चाव से रस ले रही थी। पिंटू भैया, आपने उसका हाथ पकड़ा तो उसने मना नहीं किया। अरे सिर्फ हाथ नहीं पकड़ा, और भी कुछ किया। पिंटू ने कुछ इस तरह आँख मटकाई कि उसका किस्सा सुनने के लिए माया उसके और करीब सरक आई। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में यों लिया और, कहते हुए पिंटू ने माया का मुख अपने हाथों में ले लिया और फिर डेमो सा देते हुए अपनी जुबान से झट उसके होठ चूम लिए। अकस्मात हुई इस घटना से माया अचंभित तो हुई, किंतु उसके अंदर की कामुक लड़की ने नेत्र मूंद कर उस क्षण का आनंद कुछ इस तरह लिया कि पिंटू की हिम्मत चौगुनी हो गई। उसने उसी पल एक चुंबन अंकित कर दिया माया के अधरों पर। उस रात जब अंताक्षरी का खेल खेला गया तो सारे रिश्तेदारों के जमावड़े के बीच माया ने गाया, शर्म आती है मगर आज ये कहना होगा, अब हमें आपके कदमों में ही रहना होगा। उसकी आंखें उसके अधरों के साथ कुछ ऐसी सांठ गांठ कर बैठी कि पिंटू की तरफ उठती उसकी नजर देख सभी को शक हो गया। जो लज्जा उसका मुख ढक रही थी, उसी ने सारी पुलपट्टी खोल दी। अरे माया, यह 1968 की फिल्म पड़ोसन का गाना तुझे कैसे याद आ गया। आजकल के बच्चे तो नए नए गाने गाते हैं, ताई जी ने तो कह भी दिया। तब पिंटू और माया की माताएं गपशप में व्यस्त हो जाती। अन्य औरतें उन दोनों की रंगरेलियां देख चटकारे लेती। पिंटू की उम्र माया से काफी अधिक थी, सो उसकी शादी पहले हुई। पिंटू की शादी में माया ने खूब धमाल मचाए रखी, लेकिन जहाँ अन्य सभी भाई बहन भाभी भाभी कह नई नवेली दुल्हन सिया को घेरे रहते,
वही माया केवल पिंटू के आसपास नजर आती। सब रिश्तेदार भी हैरान थे कि यह कैसा रिश्ता था दोनों के समक्ष। क्या अपनी शारीरिक इच्छा और इश्कबाज स्वभाव के चलते दोनों अपना रिश्ता भी भुला बैठे थे? सामाजिक मर्यादा को ताक पर रख दोनों बिना किसी झिझक वो करते जो चाहते, वहाँ करते जहाँ चाहते। उन्हें किसी की दृष्टि नहीं चुभती थी, उन्हें किसी का भय नहीं था। पिंटू की शादी के बाद भी हर पारिवारिक गोष्ठी में माया ही उसके निकट बनी रहती। एक बार पिंटू की पत्नी सिया ने माया और पिंटू को हाथों में हाथ लिए बैठे देखा। उसे शंका इस कारण हुई कि उसके कक्ष में प्रवेश करते देख पिंटू ने अपना हाथ वापस खींच लिया था। बाद में पूछने पर पिंटू ने जोर देकर उत्तर दिया, कम ऑन यार, मेरी बहन है यह। उस बात को करीब 4 वर्ष के अंतराल के बाद आज सिया लगभग भुला चुकी थी। अगले दिन माया की सगाई थी। लड़का माता पिता ने ढूंढा था। शादी से जुड़े उसके सुनहरे स्वप्न सिर्फ प्यार मोहब्बत तक सिमटे थे। इसका अधिकतम श्रेय पिंटू को जाता था। सालों से माया को एक प्रेमावेशपूर्ण छवि दिखा, प्रेमालाप के किस्से सुनाकर उसने माया के मानस पटल पर बेहद रुमानी कल्पनाओं के जो चित्र उकेरे थे, उनके परे देखना उसके लिए काफी कठिन था। सगाई हुई और शादी भी हो गई, मगर अपने ससुराल पहुंचकर माया ने अपने पति का स्वभाव काफी शुष्क पाया। ऐसा नहीं कि उसने अपने पति के साथ समायोजन की चेष्टा नहीं की। साल भर में बिटिया भी गोद में आ गई, लेकिन उनके रूखे व्यवहार के आगे माया भी मुरझाने लगी। 1.5 साल बाद जब छोटी बहन की शादी में वे मायके आई तो पिंटू से मिलकर एक बार फिर खिल उठी थी। शादी में आई सारी औरतें माया और पिंटू को एक बार फिर समीप देख अचंभित थी। अब तो शादी भी हो गई, बच्ची भी हो गई, तब भी हद है माया की। बड़ी भाभी बुदबुदा रही थी कि सिया रसोई में आ गई। क्या हुआ भाभी? सिया के पूछने पर बड़ी भाभी ने मौके का फायदा उठा सरलता और बेबाकी से कह डाला, कहना तो काफी दिनों से चाहती थी सिया, पर आज बात उठी है तो बताए देती हूँ। जरा ध्यान रखना पिंटू का, यह माया है ना, शुरू से ही पिंटू के पीछे लगी रहती है। अब कहने को तो भाई बहन है, पर क्या चलता है दोनों के बीच यह किसी से छिपा नहीं है। तुम पिंटू की पत्नी हो, इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है अपनी गृहस्थी की रक्षा करना, सो बता रही हूँ। बड़ी भाभी की बात सुन सिया का चिंतित होना स्वाभाविक था। माथे पर उभर आई पसीने की बूंदों को पोंछती वह बाहर आई तो माया और पिंटू के स्वर सुन वो किवाड़ की ओट में हो ली। कैसी चुपसी हो गई हो माया, क्या बात है? मेरी माया तो हमेशा हंसती खेलती रहती थी, पिंटू कह रहा था और साथ ही माया के केशों में अपनी उंगलियां फिराता जा रहा था। पिंटू, आप जैसा कोई मिल जाता तो बात ही क्या थी। क्या यार, हम भाई बहन क्यों हैं, क्या कुछ भी नहीं हो सकता? कहते हुए माया पिंटू की छाती से लगी खड़ी थी कि सिया कमरे में प्रविष्ट हो गई। दोनों हतप्रभ हो गए और जल्दी स्वयं को व्यवस्थित करने लगे। भाभी आओ ना, मैं पिंटू भैया से कह रही थी कि इतना सुहाना मौसम हो रहा है और ये है कि कमरे में घुसे हुए हैं, चलो ना छत पर चलकर कुछ अच्छी सेल्फी लेते हैं। कहते हुए माया पिंटू का हाथ पकड़ खींचने लगी। नहीं अभी नहीं, मुझे कुछ काम है इनसे, सिया के रुखाई से बोलने के साथ ही बाहर से बुआ जी का स्वर सुनाई पड़ा, माया जल्दी आ, देख जमाई राजा आए हैं। माया चुपचाप बाहर चली गई। उस शाम सिया और पिंटू का बहुत झगड़ा हुआ। बड़ी भाभी ने भले ही सारा ठिकरा माया के सिर फोड़ा था, पर सिया की दृष्टि में उसका अपना पति भी उतना ही जिम्मेदार था, शायद कुछ अधिक, क्योंकि वह माया से कई वर्ष बड़ा था। आज पिंटू का कोई भी बहाना सिया के गले नहीं उतर रहा था। पर अगली दोपहर फिर सिया ने पाया कि माया सेल्फी ले रही थी और इसी बहाने उसका और पिंटू का चेहरा एकदम चिपका हुआ था। ये कार्यकलाप भी सभी के बीच हो रहा था, सभी की आंखों में एक मखौल था लेकिन होठों पर चुप्पी। सिया के अंदर कुछ चटक गया। पिंटू की ओर उसकी वेदना भरी दृष्टि भी जब बेकार हो गई तब वह अपने कमरे में आकर निढाल होकर बिस्तर पर लेट गई। पसीने से उसका पूरा बदन भीग चुका था। आंख मूंदकर कुछ क्षण यूं ही पड़ी रही, फिर अचानक ही उठकर पिंटू की अलमारी में कुछ टटोलने लगी और ऐसे अचानक ही उसके हाथ एक गुलाबी लिफाफा लग गया, जैसे इसे ही ढूंढ रही थी वह। फौरन खोलकर पढ़ने लगी, पिंटू जी
कम से कम यहाँ तो आपको भैया कहने से मुक्ति मिली। मैं कैसे समझाऊँ अपने मन को? यह है कि बार बार आपकी ओर लपकता है, क्या करूँ? भावनाएं हैं कि मेरी सुनती नहीं, और रिश्ता ऐसा है कि इन भावनाओं को अनेकता की श्रेणी में रख दिया है। यहाँ कहाँ फंस गई मैं? जब से आपसे लौ लगी है, अन्य कहीं रोशनी दिखती ही नहीं। आपने तो पहले ही शादी कर ली और अब मेरी होने जा रही है, कैसे स्वीकार कर पाऊंगी मैं किसी और को? कहीं अंतरंग पलों में आपका नाम मुख से निकल गया तो? सोचकर ही कांप उठती हूँ, कुछ तो उपाय करो। हर पल आपके प्रेम में सराबोर, बस आपकी माया। सिया के हाथ कांप गए, प्रेम पत्र हाथों से छूट गया, उसका सिर घूमने लगा। भाई बहन में ऐसा रिश्ता? सोच सोच कर सिया थक चुकी थी, लग रहा था उसका दिमाग फट जाएगा। हालांकि कमरे में सन्नाटा बिखरा था, पर सिया के भीतर आंसुओं ने शोर मचाया हुआ था। इस मन मस्तिष्क की ऊहापोह में उसने एक निर्णय ले लिया। वह उसी समय अपना सामान बांध मायके लौट गई। सारे घर में हलचल मच गई, सभी रिश्तेदार गुपचुप माया को इसका दोषी ठहरा रहे थे, लेकिन माया प्रसन्न थी। उसकी राह का एक रोड़ा स्वयं ही हट गया था। इसी बीच शादी में शामिल होने पहुंचे माया के पति के कानों में भी सारी बातें पड़ गई। ऐसी बातें भला कहाँ छिपती हैं? जब उन्होंने अपनी पत्नी माया से बात साफ करनी चाही तो उसने उल्टा उन्हें ही चार बातें सुना दी। आपकी मुझे कुछ भी बोलने की हैसियत नहीं है। पहले पिंटू भैया जैसा बनकर दिखाइए, फिर उन पर उंगली उठाइएगा। भिन्नाती हुई माया कमरे से बाहर निकल गई। हैरान परेशान से उसके पति भी बरामदे में जा रहे थे कि सिया के हाथों से उड़ा माया पिंटू का प्रेम पत्र उनके कदमों में आ गया। मानो माया की सारी परतें उनके समक्ष खुलकर रह गई। उन्हें गहरी ठेस लगी, गृहस्थी की वह गाड़ी आगे कैसे चले जिसमें पहले से ही पंचर हो। दिल कसमसा उठा, मन उचाट हो गया। किसी को पता भी नहीं चला कि वे कब घर छोड़कर लौट चुके थे। एक अवैध रिश्ते के कारण आज दो घर उजड़ चुके थे। रिश्तेदारों द्वारा बात उठने पर पिंटू ऐसी किसी भी बात से साफ मुकर गया। कैसी बात कर रहे हैं आप लोग, शर्म नहीं आती? माया मेरी बहन है। लेकिन प्रेम पत्र हाथ लगने से सारी रिश्तेदारी में माया का नाम बदनाम हो चुका था। इसका भी उत्तर था पिंटू के पास, माया छोटी थी, उसका मन भग गया होगा। उसे समझाइए, अब वह एक बच्चे की माँ है, यह सब उसे शोभा नहीं देता। पुरुष प्रधान समाज में एक आदमी ने जो कह दिया, रिश्ते नातेदार उसी को मान लेते हैं। गलती केवल औरत की निकाली जाती है। प्यार किया तो क्यों किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई कदम उठाने की? और फिर यहाँ तो रिश्ता भी ऐसा है कि हर तरफ थूथू होने लगी। माया एक कमरे में बंद, अपना चेहरा हाथों से ढांपे, सिर घुटनों में टिकाए, जाने कब तक बैठी रही। रात कैसे बीती पता नहीं। सुबह जब मारी साफ सफाई करने गई तो देखा माया का कोई सामान घर में नहीं था। वह रात को दो अटैचियों में सारा सामान, जेवर, पैसे लेकर चली गई थी। महीनों तक पता नहीं चला कि पिंटू और माया कहाँ हैं। दोनों घरों ने कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं कराई, क्योंकि दोनों घर जानते थे कि सच्चाई क्या है। फिर उड़ती उड़ती खबर आई कि दार्जिलिंग के रिजॉर्ट में दोनों ने नौकरी कर ली है और साथ साथ रह रहे हैं, पति पत्नी की तरह या वैसे ही, कौन जानता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। और ऐसी ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानियाँ को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।